गाइस, मेरा नाम है अभिषेक एंड मैं आपको फोटोशॉप के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिससे कि आप अपनी वीडियोस पर एंड फोटोज़ को इतने अच्छे से एडिट कर सकते हो कि वो देखकर ही हर कोई चौंक जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको फोटोशॉप चलाने में आसानी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ फाइल पर जाते हैं और न्यू पर ओपन पर जाते हैं। ओपन पर आप कोई सी वीडियोस, फोटोज़, वीडियोज जब भी चलेंगे जब आपके पास डायनामिक लिंक होगी, नहीं तो आप फोटोज़ को बड़े अच्छे से एडिट कर सकते हैं। देखिए, ये कैमरा रो की सेटिंग होती है जो कि एडिट में सबसे नीचे लिखा होता है कैमरा रो। अब इसमें आप, ये मेरी एक फ़ोटोज़ है, इसको मैं एडिट करता हूँ इस सेटिंग से। ये क्लियरिटी के लिए आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, इससे चेहरे पर थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है एंड हमें थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। एंड यहाँ आकर आप ग्रीन के लिए स्ट्रेचर थोड़ा बढ़ा सकते हैं और फेस वाइटनिंग के लिए आप ऑरेंज को करेंगे। अब आप इसका साइज बढ़ा लीजिए और इसको इस पर ले रुका हुआ है। ये छपर छपर कर लूँ और ये बड़े नहीं रहा है अपना मतलब। गाइज, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट टूल की मदद से, इसकी मदद से। एंड अब मैं इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूँ कर्ल प्लस टी दबाकर। अब इसका साइज जैसे कि मेरे को थोड़ा बड़ा या छोटा करना है तो मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में इससे कर सकता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वैसे आप चाहे तो यहाँ जाकर भी कर सकते हैं। रोटेशन वगैरह एंड फ्री ट्रांसफॉर्म, गाइस अब मैं आपको निक कलेक्शन यूज कर बताऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ से क्लिक कर स्विफ्ट दबाकर सबसे ऊपर वाली उसको लेयर को दबा देना है जिससे ये सब सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर कुछ ये इस प्रकार हो जाएंगी। अब हम मैं निक कलेक्शन यूज़ करूँगा। निक कलेक्शन में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कलर इफेक्ट्स प्रो 4 इफेक्ट यूज़ करूँगा, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं बेसिकली। ये कुछ इस प्रकार स्टार्ट होगा। निक कलेक्शन की डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइप से आ जाता है। अब आपको ये डू नॉट शो हमेशा के लिए हटाना है तो डू नॉट शो अगेन पर कर देंगे और ये बार बार देंगे तो आप यहाँ ओके क्लिक कर देंगे। ये साइड में सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं जिस हिसाब से फिल्टर्स चाहिए। क्रॉस प्रोसेसिंग जो कि बेस्ट फिल्टर है, क्रॉस प्रोसेसिंग, इसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप ये साइड में बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं एंड स्क्रीन को आप बदलते देख सकते हैं। मैं उनको मूव कर रहा हूँ। वाइटनिंग के लिए आप L02 और L03 फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं।
मैं सबसे पहले V02 को यूज़ करना चाहूँगा एंड यहाँ जाकर एडिट टू फिल्टर पे क्लिक करके वापस प्रोसेसिंग पे आएंगे और अब मैं BL02 को यूज़ करूँगा एंड इसको थोड़ा कम करूँगा एंड यहाँ आकर मैं विग्नेट लेंस इस पर दबाऊंगा तो ये एक पोर्ट्रेट टाइप आ जाएगा एंड साइड साइड में शेडो आ जाएगी। इसको चाहे तो आप सर्कल या रेड ट्रायंगल में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को रेड ट्रायंगल में चाहिए तो ये रेड ट्रायंगल में शेडो आएगा, सर्कल में चाहिए तो सर्कल में शेडो आएगा। इस तरीके से आप बहुत सी पिक्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये सही जम रहा है तो मैं यहाँ ले आऊँगा वापस ये पिक सेव हो जाएगी एंड हम वापस अपने सॉफ्टवेयर पर चले जाएंगे। गाइस देखिए ये फिल्टर यूज होने के बाद ये फोटोज कुछ इस तरीके से आ चुकी है एंड ये पहले फोटो कुछ और थी अब कुछ और है। अब मैं इसमें चाहूँ सेव कर लूँ और इसमें आप इसी तरीके से बहुत सारे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और ये एक टूल मैं और बता देना चाहता हूँ, स्मक टूल। इससे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं एडिटिंग में। जैसे कि ये मैं अगर बालों पर करूँगा तो मेरे बालों का साइज़ बढ़ जाएगा। ब्रश बढ़ाकर मैं इसको बढ़ाऊँ, अगर ये देखिए अगर अब इसको इस तरीके से बढ़ाया जाए तो बालों का साइज बढ़ जाता है एंड बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो वापस आप दबाकर वापस कर सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो और सेव करने के लिए आप यहाँ आकर सेव अज बट मैंने एक पिक हटा दी है। सेव अज में आकर आप कोई भी फोल्डर में कर सकते हैं सेव। तो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।